press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ टेस्टबुक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तत्काल क्विज 14। तो तत्काल क्विज 14 का क्वांट और एलआर सेक्शन मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद जीए और जीएस सेक्शन का डिस्कशन होगा। तो तत्काल क्विज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1+√2√3 और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-4। तो देखिए इसमें बच्चों का अप्रोच क्या होगा, वो सीधे यहाँ पे उठा के एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये अप्रोच गलत होगा। हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दिया और माइनस 1 कर दिया, माइनस 4 एंड में आ गया, इसको अलग ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 5। अब यहाँ पे जो ऊपर x की वैल्यू हमें दे रखी है, ये x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या हुआ, 1+√2+√3-1 का होल स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, वैल्यू निकालनी है हमें, माइनस 1 कैंसिल। अब √2+√3 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2+3+√6-5। इतना ही तो आया, क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a-b इसलिए तो लग गया है इस वाली इक्वेशन में, क्लियर। तो यहाँ पे 2+3 5 हो गया +√6-5, -5 + 5 कैंसिल, आंसर 2√6, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स। तो हमें एवरेज मार्क्स दिया हुआ है क्लास में सब्जेक्ट्स के, 3 सब्जेक्ट्स के, क्या 73, 78 एंड 64, ये 3 एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है टोटल सम ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इज 7525। ठीक है, तो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में मार्क्स होंगे डिफरेंट, तो उन सब का टोटल 7525 दिया हुआ है। और ये जो PCM के मार्क्स हैं, इनका क्या करा हमने, एवरेज निकाल लिया, तो वो है 73, 78 और 64। ठीक है, तो अब क्या होगा, एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर्स, यही तो होता है कि जितने नंबर आए हैं उनका सम किया और जितनी बार आए हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो यही तो होता है। अब देखिए नंबर कौन कौन से हैं, 73+78+64। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया, हम सिर्फ एंड के डिजिट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम किससे करते हैं लंबा क्वेश्चन, यूनिट मेथड से। ठीक है, तो यूनिट प्लेस को हम पकड़ते हैं, तो यूनिट प्लेस के लिए क्या करेंगे, 3+8=11+4=15। 15 का 5 आया, एंड में 5 आ रहा है। अब देखिए मैंने इन तीनों सब्जेक्ट के सम को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ नंबर मिलेगा मुझे, यानी यहां पे मुझे मार्क्स, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यही तो मिल जाएगा। तो यहां पे मुझे क्या करना है, एंड में 5 आ रहा है, इनका टोटल करने पे मुझे ये पता लगा कि एंड में 5 आता है। ठीक है, और आंसर में जो मुझे मार्क्स टोटल मिलने थे वो कितने हैं, 7525, इसके भी एंड में 5 आ रहा है।
अब देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन आप किसके साथ करेंगे कि एंड में 5 मिलेगा, ठीक है। देखते हैं किसके किसके साथ में, 3 के साथ में करेंगे, 7 के साथ में करेंगे, 9 के साथ में करेंगे और 5 के साथ में करेंगे, ठीक है। इन्हीं सब में मुझे एंड में 5 मिलता है। किसी ऑप्शन में 3 है, नहीं है। किसी ऑप्शन में 7 है, नहीं है। किसी ऑप्शन में 9 है, 9 भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी जिसमें 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा 35 स्टूडेंट्स करेक्ट हो गया है। हमने यूनिट प्लेस मेथड से आंसर निकाल लिया है। क्वेश्चन 3, इन अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है 20 लीटर्स का, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 4:1, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना हो गया, अब 1:4 हो गया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि कितना पानी मिलाया होगा कि ये रेशियो रिवर्स हो गया हमारा, ओके, रिवर्स हो गया ये वाला रेशियो, कितना पानी मिलाया होगा, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसमें मिल्क तो मिलाया नहीं, तो मिल्क का रेशियो बराबर रहना चाहिए, लेकिन मिल्क का रेशियो 4:1 हो गया है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे, नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो अब नीचे वाला रेशियो कितना आ गया, 4:16 आ गया, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि मिल्क की क्वांटिटी यानी मिल्क का रेशियो सेम है और वाटर को मिलाया गया है, और उस कितना वाटर मिलाया गया है, 15:15 मिलाया गया, ठीक है, क्योंकि 16 - 1 = 15 आता है, 15:15 मिलाया गया, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए पहले हमें 20 लीटर में रेशियो कितना दिया हुआ था, 4:1, यानी 5x की कॉस्ट होगी 20, यानी x की कॉस्ट कितनी हो गई, 4, ठीक है, समझ में आया। यानी 1 की कॉस्ट अगर 4 है तो 15x की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 15 × 4, 60 आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ पे समझ आया क्या शॉर्ट ट्रिक हमने यूज़ करी, हमने रेशियो को मिल्क के बराबर कर दिया मल्टीप्लाई बाय 4 करके, डिफरेंस निकाला कितने के बराबर है ये देखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। बाकी दूसरा मेथड तो आप जानते ही हैं कैसे करा जाता है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स हमें दिए 53 और 68 किसी ट्रेपेजियम की, और बताया गया कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यानी ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमें दे दिया है 16 सेंटीमीटर, और साइड्स कितनी दे दी हैं, ये दे दिया है 53, ये दे दिया है 68, ठीक है, समझ में आ गया। अब पूछा हमसे जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, बिटवीन पैरेलल साइड्स, ओके, यही तो होता है फॉर्मूला। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/2 डिस्टेंस कितना आ गया, 16 दिया हुआ है हमें पैरेलल साइड्स का, सम क्या हो गया, 53 + 68, ठीक है, 53 + 68। अब देखिए ये कितना हो गया, 8+3 कितना हो गया मेरे पास में, 8+3 = 11, यानी एंड की डिजिट मेरे पास में 1 आ गई, इसको इससे मैंने कट किया 8 आ गया, 8 × 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, एंड में 8 आएगा, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कैंसिल हो गए, क्लियर, इतना समझ में आ गया, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कैंसिल हो गए। अब देखिए दोनों ऑप्शन एकदम क्लोज है मेरे पास में, 968 एंड 988। अब कैसे करेंगे, अब देखिए, देखिए 8+3 = 11 था, 11 हुआ, एंड 6+5 = 11, यानी 12, 121 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो क्या आता है मेरे पास में, 8 16, ठीक है, जब 8 × 2 करेंगे 16 आ जाएगा, यानी 68 जैसे आया ऑप्शन ए करेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो दो ऑप्शन मैंने कैसे डिलीट कर दिए थे, लास्ट डिजिट देख के और उसके बाद फाइनली हमने मल्टीप्लाई किया, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है हमारे पास में, इसका एक लास्ट टर्म हमें निकालना है कि लास्ट टर्म में क्या आएगा। देखिए इस सीरीज को करने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच है,
सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहला अप्रोच क्या, डिफरेंस मेथड, जो मैंने बोला अभी तक मैं अपने इसी सीरीज में बताता आया हूँ तत्काल में ही, कि जब भी हम सीरीज का क्वेश्चन करते हैं डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं। तो 990, 1320, 1716, 28, 2184, ओके ये हुआ। अब डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस लिया तो 330 आएगा, 1716 में 320 माइनस किया तो 396 आएगा, 2184 में से 1716 माइनस किया तो आएगा मेरे पास में 468, ओके। अब देखिए इसको भी फर्दर माइनस कर दीजिए, इसको माइनस किया 396 में से 330 तो 66 आया, 468 में से 396 माइनस किया तो मेरे पास में आया कितना, 72। अब देखिए ये 6 का राइज हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं 6 का राइज करके 78 का राइज, 6 का राइज किया 78 हो गया। अब 468 में मैंने अगर 78 ऐड किया, क्योंकि डिफरेंस 78 आना चाहिए, तो कितना हो गया 546। अब 2184 में 546 ऐड करके देखूँ मैं तो क्या आता है, 10, 1 कैरी ओवर 13, 1 कैरी ओवर 7, 2730। तो ऑप्शन सी 2730 है, करेक्ट हो गया है। अब इसका मेथड टू देखते हैं, मेथड टू क्या है, सिंपल 10 क्यूब माइनस 10 990, 11 क्यूब माइनस 11 1320, कैसे 1320 1331 माइनस 11, ओके। फिर उसके बाद 12 क्यूब माइनस 12 कितना होता है 1728, 12 का क्यूब होता है उसमें माइनस 12 कर दिया 1716 आ गया। सिमिलरली एंड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 क्यूब माइनस 13, उसके बाद 14 क्यूब माइनस 14, तो 14 क्यूब कितना होता है 2744 माइनस 14 किया 2730 आंसर, क्लियर। तो दोनों मेथड पता लग गए आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेशन नेक्स्ट वाले के साथ में होता है, तो कलरी मीटर का रिलेशन उसके नेक्स्ट वाले के साथ में होगा। देखिए कायरोमीटर को यूज़ किस लिए करते हैं, कायरोमीटर को यूज़ करते हैं हम वेरी लो टेम्परेचर के लिए, ओके, वेरी लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो कलरी मीटर में तो कलर आ गया, कलर का मतलब बी ऑप्शन, कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्लियर हो गया। किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए, इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन हमें दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन, ओके, सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। अब देखिए जब हम इस वाले टाइप को चेक करेंगे तो हुआ क्या है, मैंने आपको क्या बताया, या तो ऑपोजिट लिख दिया जाता है या तो पलट के रिवर्स लिख दिया जाता है। ये जो चीज़ है मैं आपको अपने 20 एक्सपेक्टेड में बता चुका हूँ, ठीक है, 20 एक्सपेक्टेड वाले में मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एस और एन है, एस और एन है, देखिए एस और एन बीच में आ गया है, जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एस और एन बीच में आ गया है। दैट मीन्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डी और एन भी बीच में आ जाना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि एस और एन स्टार्टिंग में था वो बीच में आ गया है, तो ऑप्शन जब चेक करेंगे तो वहाँ पे भी यही होगा, डी और एन बीच में आ जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एस और एन एक साथ आ रहा है, एस और एन एक साथ आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हमारे, हमें क्या चाहिए, बीच में डी एन चाहिए, तो ऑप्शन ए में भी डी एन आ रहा है, ऑप्शन बी में भी डी एन आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा, हमने पलट के लिख दिया ऐसे, सब्स ऐसे कर दिया, और ट्यूशन को यहाँ पे एंड में ले आए तो ट्यूशन ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, तो उल्टा करके दोनों को लिखा है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन को एंड से पलट रहे, यानी डिस्ट्री तक आना चाहिए, उसके बाद ब्यू से उधर से शुरू होना चाहिए,
ठीक है, तो यानी यहाँ से बी यू से शुरू होना चाहिए, बी यू से, तो ऑप्शन ए में बी यू से यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, अब देखिए इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्या फॉलो करते हैं, डैश बी सी डी, ए डैश सी डी ए बी डैश डी ए बी सी डैश। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मिलाने की कोशिश करिए, कैसे मिलाने की कोशिश करिए, देखिए क्या आ रहा है, बी सी डी एक साथ में आया है और उधर देखिए ए बी सी एक साथ में आया है, इसका मतलब यहाँ पे ए बी सी डी बन रहा होगा, ठीक है, तो ये पूरा जो चारों बना हुआ है वो ए बी सी डी का ही बना हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा मैंने ए तो ए बी सी डी ये बन गया, यहाँ पे लिखा बी तो ए बी सी डी ये वाला बन गया, यहाँ पे लिखा सी तो ए बी सी डी ये वाला बन गया, और यहाँ पे लिखा डी तो ए बी सी डी ये लास्ट वाला बन गया। तो हमारे पास में डैश में क्या आया, ए आया, बी आया, सी आया और डी आया, तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या दिया हुआ है, देखिए आप फिगर देख रहे हैं, इसमें नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं, थ्री इधर साइड में, टू इधर साइड में, एट इधर साइड में, 63 और सेंटर पे टू लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट में ऊपर एट लिखा हुआ है, इधर थ्री लिखा हुआ है, सेंटर में टू लिखा हुआ है, ये वाला हमें निकालना है, और इधर क्या दिया हुआ, 3968 दिया हुआ है, ओके। अब देखिए क्या लॉजिक है इसमें, जब भी इस टाइप का आया तो ये इससे कनेक्टेड है, मैंने 20 एक्सपेक्टेड में ये भी बताया है कि इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है और इसका इससे कनेक्शन है, ठीक है, तो साइकिल चल रही है, तो 2² - 1 = 3, 3² - 1 = 8, 8² - 1 = 63, ठीक है, तो पहले का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, यही कंसेप्ट मेरा यहाँ पे लगना है, 3² - 1 = 8, 8² - 1 = 63, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, 63² - 1, 63 का स्क्वायर कितना होता है ये निकालते हैं, 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से कितना ज़्यादा, 13, तो 25 में 13 ऐड किया तो मेरे पास में क्या आ गया, 38, और उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना, 169, 1 इधर लिखा, 69, तो आंसर क्या आ गया, 3969, तो 3969 माइनस 1 किया तो 3968 आ गया, यहीं लिखा हुआ है 3968, तो 63 करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारी क्वांट और एलआर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जीए और जीएस सेक्शन का डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, मिरर इमेज निकालना है अबाउट लाइन ए बी। देखिए जब भी मिरर इमेज निकालना हो नीचे की तरफ में, तो इसको मिरर इमेज बोलूं या वाटर इमेज बोलूं, बात एक ही है, ठीक है, अगर मिरर नीचे रखा हुआ है तो उसको वाटर इमेज भी बोल सकते हैं, मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जिसमें लिखा हुआ है लाइव टेस्ट, ठीक है, वी कैपिटल है, आई स्मॉल है, टी में ई स्मॉल है, एस कैपिटल है, टी स्मॉल है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एल, देखिए एल जब ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिमिलरली सेम ऐसा ही एल आना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए में ऐसा एल नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में ऐसा एल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है, ठीक है, तो ये तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है, लेकिन इसको करेंगे कैसे, जो पास में हो उसे पास में लिखते हैं, आई के लिए लाइन बनाई, जो दूर में है उसे दूर कर दिया, जो पास में था उसे पास में लिखा, जो दूर में है उसे दूर कर दिया। अब ई के टाइम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो पहले लाइन बनाइए, इधर ले गए और ऐसे बना दिया, ठीक है, लाइन ऊपर आएगी टी में, ई के टाइम में सेम मैंने बताया ऐसे बना दिया, एस के टाइम में फिर से कन्फ्यूज़न होगा, तो लाइन बनाई, देखिए अगर ऐसा है तो मिरर इमेज ऐसी जाएगी, तो एस के टाइम में क्या है, ऐसे करके जाता है,
तो अगर ऐसा है तो मिरर इमेज ऐसी जाएगी, तो ऐसी जानी है मिरर इमेज, तो क्या हो गया, इधर साइड से वापस आएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये लाइन ऐसे और ये लाइफ टेस्ट ऐसी मिरर इमेज आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वांट और एलआर सेक्शन का डिस्कशन ख़त्म होता है, इसके बाद जीए और जीएस सेक्शन का डिस्कशन होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11th, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर हैज द राइनो सेंसस बिगिन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गेंडों की जनगणना शुरू हुई है? सो इट्स ऑप्शन आर मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन बी असम। असम में फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट। यहाँ पर हुई है जो सेंसस, उसमें 2018 में अभी जो टोटल है वो 2413 राइनोज है, और ये हर एवरी 3 ईयर में होती, तो अर्लियर हुआ था 2015 में। अभी जो इंक्रीज हुआ है नंबर वो कितना हुआ है, +12 हुआ है 2018 में। अदर जो नेशनल पार्क्स हैं वो है मानस नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क असम में। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12th, इंडियाज फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम फुली डेडिकेटेड टू इंसेक्ट्स इज ओपन इन विच स्टेट, भारत का पहला पूरी तरह से कीड़ों को समर्पित संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, केरला, तमिलनाडु। आंसर जो है तमिलनाडु में खोला गया है। यहाँ पर जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं आपके टर्माइट्स हो गए, बी हो गए, उन सबके यूनिक बिहेवियर, उनके हैबिटेट, उनका जो डेवलपमेंट है स्टेज डेवलपमेंट, उन सबके बारे में बताया जाएगा। और जो इसका जो थीम है वो है बग्स आर किंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13th, व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड, कब विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, ए 22nd मार्च, बी 23rd मार्च, सी 24th मार्च, डी 25th मार्च। सो आंसर इसका है सी 24th मार्च, 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो क्या है, वांटेड लीडर्स फॉर अ टीबी फ्री वर्ल्ड। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट इज द नेम ऑफ 27 मेंबर BSF वुमेन टीम विच मेड इट डेब्यू ऑन राजपथ ऑन January 26, 2018। 26 जनवरी 2018 को राजपथ पर अपने पहले प्रदर्शन वाले BSF महिलाओं के 27 सदस्य दल का नाम क्या है? ऑप्शंस ब्लैक हॉर्स, सुपर गर्ल्स, डेयर डेविल्स और स्टॉमिंग 27। सो इट्स आंसर इज डेयर डेविल्स। ऑन रिपब्लिक डे 27 वुमेन फ्रॉम BSF, दैट इज नेम डेयर डेविल्स, शोड देयर स्टंट्स एंड एक्रोबैटिक्स ऑन 350cc रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स। इंपॉर्टेंट, सो लर्न द नेम ऑफ द ग्रुप। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15th, Who has launched Lost and Found app for airports? किसने हवाई अड्डों के लिए खोया पाया मोबाइल ऐप शुरू किया है? ऑप्शंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, सी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और डी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। So this has been started for 59 airports. An app name is Umang. Unified Mobile Application
फॉर न्यू एज गवर्नेंस? फॉर न्यू एज गवर्नेंस नाउ इट इज हैविंग थ्री फीचर्स, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स, देन ट्रैकिंग कंप्लेंट या चेकिंग योर रिक्वेस्ट स्टेटस. एंड थर्ड इज टेक्निकल कंसल्टेंसी. In security and fire services. Now moving on to question number 16. Which oxide of nitrogen is formed when ammonium nitrate is heated? Ammonium nitrate को गर्म करने से nitrogen का कौन सा oxide बनता है? चलिए देखते हैं. तो NH4NO3 जो कि आपका है ammonium नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस. सो योर ऑप्शन इज सी, नाइट्रस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. Now moving to question number 17. Silicon possesses how many valence electrons? So silicon atomic number is 14. So we can write it 2, 8 and 4. So first shell is filled with 2 electrons, then 8. Now we are left with 4 electrons. So this is its 4 valence electron and its electric configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So you should know how to do it. Now moving on to question number 18. Which one of the following quantities does not have unit? Mass has a unit, so it has kg. Then specific gravity, no, it doesn't have any unit. Acceleration, meter per second square, and impulse is newton per second. Now let's see, what is specific gravity? It is a dimensionless quantity. Why? We can find out specific gravity of an object by this formula, density of an object upon the density of water at 4 degree Celsius. So both will be having the same unit, so it will cross cut. So specific gravity is dimensionless quantity. Now moving to question number 19. Magnesium is an alloy of. Magnesium kiska mishra dhatu hai? So it's an alloy of option A, aluminium plus magnesium, and its uses are making metal mirrors, frame of airplanes and scientific instrument. It's an easy question. Okay, now moving to question number 20th. What is the mass of the body if exerted force of 10 newton is accelerated by 5 meter per second square? यदि एक वस्तु पर लगने वाले 10 newton बल को 5 meter प्रति second square से बढ़ाया गया है, तो वो वस्तु का द्रव्यमान क्या है? So in this question you have been given force आपको मिला हुआ है और आपको acceleration का value भी मिला हुआ है. Force क्या है आपका? 10 newton है और acceleration जो है वो 5 meter per second square है. तो आपको निकालना है mass. तो second law of जो motion है F is equals to
मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी फोर्स क्या है, 10 न्यूटन है, मास आपको निकालना है, सो इट विल बी 2 kg. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे.